तो दोस्तों ये हमारे पास आप देख सकते हैं नोट 10 आया हुआ है और इसका डिस्प्ले पूरा बोल गया है। पहले हमारे पास ये कस्टमर आ चुके हैं, तब इनका ग्लास जो है वो टूटा था खाली और डिस्प्ले ठीक थी, लेकिन तब ये नहीं समझे और तब इनका 700-800 में काम बन रहा था, अब इनको 2500 रुपये देने पड़ेंगे इस काम के। वही कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, तो इन्होंने समझा नहीं उस चीज़ को और अब इनका ना काम हो गया है ज़्यादा और अब हमें करनी है इसकी पूरी डिस्प्ले, मतलब फोल्डर या कॉम्बो जो भी आप बोलते हैं वो चेंज। वैसे सही मायने में तो फोल्डर बोला जाता है और अब हमें इसको चेंज करना है। इन्फिनिक्स नोट 10 है ये, आप ये देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले में कैसे कैसे आ रहे हैं। अगर इस कंडीशन में आपका फ़ोन होता है तो आपका फ़ोन ग्लास चेंज करने लायक नहीं होता, फिर आपकी जो है पूरी डिस्प्ले ही चेंज होगी। देखिए आप ऑटोमेटिक काम कर रहा है और झिलमिल झिलमिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये फोल्डर ही चेंज होगा। और हम फोल्डर लेके आए हैं, कस्टमर के पास ओरिजिनल का बजट नहीं था तो हम फर्स्ट कॉपी लेके आए हैं, बढ़िया क्वालिटी है वैसे ये। तो चलिए अब मैं इसको आपको ला के वो लगा के दिखाता हूँ कैसे इसमें लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैं इसको फ्रेम को साफ़ कर रहा हूँ। ये साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर इसमें हल्का सा भी जो आपका जो कांच है वो फंस गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर डिस्प्ले बैठेगी नहीं और टूट भी सकती है। तो इसका जो डिस्प्ले का जो फ्रेम है वो आप अच्छी तरीके से साफ़ करिएगा, तभी अच्छी तरीके से डिस्प्ले बैठेगी और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मोबाइल की जाली है जहाँ पे आपका स्पीकर से आप बात करते हैं। ये ज़रूर आप संभाल के रखें और क्लियर करके साफ़ सुथरा करके इसको दोबारा वापस लगाएं। अदरवाइज़ जो आपका कैमरा है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है कि कैमरे के पास डस्ट जम जाती है जिसकी वजह से फ़ोटो वगैरह क्लियर नहीं आती, तो वो इसी की वजह से होती है। तो इसका आप खासम खास ध्यान रखें ताकि आपके कैमरे में बाद में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए।